हमें इसका सामना करना है, और सामना करने के लिए कुछ कदम हैं जो हम उठा सकते हैं। दोस्तों, ऋतिक रोशन का पहला वीडियो आफ्टर कोरोना, या तो कोरोना के फैलने के बाद पहली बार ऋतिक रोशन हमें किसी वीडियो में दिखे, जहाँ पर कि ऋतिक हमें जनता को सतर्क करते दिख रहे हैं। और समय देखिए ऋतिक ने क्या कहा। हम सब एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस एक ऐसी सच्चाई है जो जोरों से फैल रही है, और अब हम इस बीमारी से, इस सच्चाई से, इन हालातों से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हमें इसका सामना करना है, और सामना करने के लिए कुछ कदम हैं जो हम उठा सकते हैं, जो इस महामारी को रोक सकती हैं। सबसे पहला कदम है अपने हाथों को, अपने आप को साफ रखना। साबुन से अपने हाथों को धोएं हर एक घंटे पे। ये बहुत ही एक आसान रास्ता है इस महामारी को रोकने का, प्लीज़ कीजिए। दूसरा कदम है सोशल डिस्टेंसिंग का। एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी पर रहें, और ये वक्त अपने परिवार से या अपने दोस्तों से मिलने जुलने का नहीं है, पार्टीज़ में जाने का नहीं है। प्लीज़ मेरी बात सुनिए। अगर आपको एक दूसरे से कांटेक्ट में रहना है तो आप फ़ोन का या वीडियो कॉल्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, तो कीजिए। ये वक्त बहुत नाजुक है दोस्तों। अगर ये वक्त हमारे हाथों से निकल गया तो न जाने क्या हो जाएगा। सो प्लीज़ जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। आइए थोड़ा जिम्मेदार बनते हैं, इस वायरस से लड़ते हैं। हम सब एक साथ हैं इसमें, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ऑल द बेस्ट, माय लव टू यू ऑल, बाय बाय। दोस्तों, जैसे कि यहाँ ऋतिक सबको सतर्क करते दिखे, और यहाँ जब से ही देश में कोरोना का खतरा हमें देखने को मिला, तब से ऋतिक हमें जनता को सतर्क करते दिख रहे हैं। और इसमें ऋतिक ने सोशल मीडिया के जरिए अपने काफ़ी सारे पोस्ट किए और सबको कई तरह की जानकारियाँ दी। और जैसे कि अब फाइनली ऋतिक ने अपना एक वीडियो भी शेयर कर दिया। और वैसे तो यहाँ ऋतिक के साथ ही हमें अक्षय कुमार का भी एक वीडियो देखने को मिल गया, जहाँ पर कि अक्षय हमें काफ़ी गुस्से में दिखे। आपसे दिल की बात प्यार से बोलता हूँ, पर आज कसम से इतनी खुंदक आ रही है ना कि कुछ गलत शब्द अगर मुँह से निकल जाए तो मुझे माफ़ करना, पर दिमाग हिल गया कर कुछ लोगों का है। क्या हो गया लोग, किसको लॉकडाउन का मतलब समझ नहीं आ रहा। लॉकडाउन का मतलब होता है घर पर रहो, घर के भीतर रहो, परिवार के साथ रहो, सड़क पे तफरी करने के लिए निकल ना जाओ। बड़े बहादुर बन रहे हो आप लोग बाहर जाके, ये सब धरी की धरी रह जाएगी, ये सब आपकी बहादुरी सब इधर ही रह जाएगी। खुद भी अस्पताल जाओगे और अपने परिवार वालों को भी साथ ले जाओगे, माँ बहन बाप बीवी सब के सब पहुंच जाएंगे, कोई नहीं बचेगा अगर ध्यान नहीं रखोगे। यार अकल का इस्तेमाल करो, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। यहाँ पर जैसे कि अक्षय का कहना था कि उन्होंने काफ़ी बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन यह लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है। ऐसे में जहाँ ऋतिक हमें एक तरफ प्यार से सबको समझाते दिखे, और वहीं दूसरी तरफ अक्षय कुमार जो कि काफ़ी बार समझाने के बाद अब हमें काफ़ी गुस्से में दिखे। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक से कमेंट जरूर करें।